भाई सही बता दो, यही है भाई मंदिर जाने का रास्ता इधर साइड से, और इस साइड में मंदिर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। भाई क्या हाल चाल है भाई? आज का व्लॉग भाई काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आया हूँ भाई राम मंदिर। हाँ भाई, आप सही सुन रहे हो भाई, राम मंदिर आया हूँ आज मैं भाई, राम जी की श्री राम जन्मभूमि पे, वहाँ पे दर्शन करने। तो भाई जैसे कि आपको पता था भाई, 22 जनवरी को राम मंदिर की ओपनिंग हो चुकी थी। उस टाइम भाई इतनी भीड़ थी ना, उस टाइम में मतलब आना तो पॉसिबल ही नहीं था। इस वजह से हम ये नेक्स्ट मंथ में मतलब ये मार्च में आ रहे हैं। तो भाई फटाफट से अभी निकलते हैं भाई यहाँ पे, मतलब अभी भी इतनी भीड़ है ना यहाँ पे। लोग कह रहे थे 22 तारीख को ही भीड़ होगी, पर अभी भी इतनी भीड़ है ना भाई। मैं आपको भाई व्लॉग के एंड तक बने रहना आप भाई, एक एक चीज दिखाऊंगा यहाँ पे। अभी भी बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पार्किंग में खड़ा हूँ, और देन उसके बाद अभी चलता हूँ मैं। यहाँ देखो भीड़ भाई कितनी है, देख रहे हो ना गाड़ी, ये चारों साइड में गाड़ी गाड़ी लगी हुई है, देख लो लंबी। ये पूरा पार्किंग एरिया है यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे गाड़ी अपनी ये पार्क कर दी है। देन उसके बाद अभी फटाफट से भी निकल रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। गाड़ी को कर देते हैं लॉक, तो अभी हम निकलते हैं भाई। भाई ये चीज़ देखो, वहाँ मतलब मेन डोर उधर से है, मतलब रास्ते से उधर से आने का है, ठीक है। और ये देखो भाई, भाई ये गिटार कितना बड़ा सा रखा हुआ है यहाँ पे। हमारे भाई ने भी भाई तिलक लगवा लिया जय श्री राम का, देख सकते हो। भाई कैसा लग रहा है कमेंट में बताना भाई। यहाँ पे भाई आने का ना बिल्कुल भाई, एकदम से भाई आओगे ना तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। ये देखो भाई यहाँ पे सब फोटो वोटो क्लिक कर रहे हैं यहाँ पे, और शायद मेरे को लग रहा है ना मंदिर जाने का रास्ता ना उस साइड से है। देखो वहाँ पे भीड़ हो रही है, उस साइड से मंदिर जाने का रास्ता है। जैसे फटाफट से भी मंदिर के साइड में निकलते हैं, और एक एक चीज़ आपको दिखाऊंगा मैं वीडियो का एंड तक, आप बने रहना। हाँ भैया, मंदिर जाने का रास्ता किस साइड से है? सामने है, चलते हैं अब मंदिर की ओर। भाई यहाँ से देखो श्री राम जन्मभूमि तिथि, मतलब यहाँ से अभी 2 किलोमीटर के आसपास है, और हनुमानगढ़ी सब मतलब इसी रास्ते में सारे मंदिर। ये देखो भाई भीड़ हो रही है कितनी, देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है, पब्लिक चल रही है, भीड़ तो बहुत खतरे भाई। और इधर साइड में नहीं, ये देखो ये सारे मतलब प्रसाद उसाद की चीज़ें मिल रही है डेकोरेशन वाली। भाई एक चीज़ है यहाँ पे आके भाई ऐसा लग रहा है सुकून आ गया बिल्कुल, मतलब भाई क्या हुआ था भाई, काफ़ी टाइम पे मैं मतलब सोच रहा था, जब 22 तारीख को ओपनिंग हुई थी ना, बहुत दिन से सोच रहा था कि अब चलेंगे, पर अभी मतलब वो हो नहीं पा रहा था, फाइनली वो दिन आ चुका भाई। अंदर से भाई इतनी खुशी हो रही है ना यहाँ पे आके, सोचो भाई मैं तो एक बार आप आके वेट करो भाई, मज़ा ही आएगा। ये देखो वहाँ की भाई क्राउड देखो कितना सारा है यहाँ पे, देख रहे हो ना दूर दूर तक भाई लाइन लगी हुई है, वो देखो पीछे तक मेरे। और इधर साइड में ये फोटो वोटो मिल रही है भगवान की, और माला वाला जो भी चीज़ है ना इधर साइड में मिल रही है सारी। यहाँ पे ये तिलक विलक लगा रहे हैं भैया, ये भैया यहाँ पे तिलक रख लगा, भैया लगवा जय श्री राम। भाई यहाँ पे ये आर्ट भी बना हुआ है, देखो कितना मस्त है, गदा बना हुआ है, शास्त्रिक निशान बना हुआ है, मतलब हर एक यहाँ पे ना मतलब आर्ट बने हुए हैं। देखो वहाँ पे जय श्री राम लिखा हुआ है शटर पे। भाई ये देखो ये प्रभु श्री राम के लीला में कितना मगन है, देख रहे हो ना, देख रहे हो चश्मा उस्मा डाल के एकदम। तो गाइस फाइनली भाई पहुंच चुके हैं
राम मंदिर भाई देख सकते हो रहा बोट एरो इस साइड, मतलब ये अभी कुछ ही दूर और है थोड़ी दूर भाई। यहाँ पे जाम देखो भाई कितने, कितनी ट्रैफिक हो गई यहाँ पे। तो गाइस भाई बता दो यही है भाई मंदिर जाने का रास्ता इधर साइड से, यहाँ ये बोर्ड लग रहा है इधर साइड से, ये मंदिर जाने का रास्ता है और इस साइड में मंदिर है ये देख सकते हो भाई। अंदर भी कितनी तगड़ी भीड़ हो रही है देख रहे हो ना। ये भाई दर्शन करने का रास्ता है इस साइड से और इधर से ना ये रिटर्न आ रहे हैं देखो। यहाँ भाई श्री राम जी की भाई फोटो वोटो लगी हुई है देख सकते हो ये, और कुछ मतलब यहाँ पे भाई एक स्टेचू रखा हुआ है, मतलब कुछ ऐसा मंदिर दिखता है देखो, कुछ ऐसा दिखता है भाई आज रियल में देख के आएंगे अंदर से। भाई आपको दिखाऊंगा भाई वहाँ पे है मंदिर, अभी अंदर जाके भाई और दिखाता हूँ मैं। भाई इस साइड से हो रही है एंट्री, वो सामने है ना वहाँ से हो रही है एंट्री। भाई यहाँ से हो रही है एंट्री अभी, तो गाइस आप ये मंदिर देख सकते हो भाई कितना ही बढ़िया लग रहा है। भाई मैंने यहाँ पे ना भाई फ़ोन छुपा कर ये क्लिप लिया, भाई अंदर फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो गाइस भाई एक बैड न्यूज़ है भाई, अंदर फ़ोन ले जाने बिल्कुल नहीं दे रहा है, मतलब फ़ोन हमारा गेट पे जमा हो गया था अंदर ऐसे दर्शन करने गए थे, मतलब भाई फ़ोन हम सोचे अंदर तक जाएंगे तो आपको क्लिप दिखाता पर कोई ऐसी नहीं है, फ़ोन जमा ही कर ले रहे हैं गेट पे भी, वहीं पर फ़ोन जमा हो जा रहा है। तो गाइस तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर ये नाव चलती है ये देखो। अब भाई गर्मी इतनी हो रही है ना क्या होता भाई, हालत ख़राब हो गया पूरा ही। इधर साइड में नाव चल रही है बस, घाट है घाट। तो गाइस भाई यहाँ पे ये घाट है, यहाँ पे ये नाव चल रही है इस साइड में, ये देख सकते हो घाट है, लोग यहाँ पे स्नान कर रहे हैं, मतलब गंगा जल ये सब भरना है दास भर के। बाकी ये पोर्शन है घाट वाट साइड का भाई, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे उस साइड में भाई, इतनी गर्मी हो रही थी ना क्या मतलब, पैदल चलने का तो भाई बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, देख सकते हो हालत भाई कैसी बिल्कुल बेकार होती है यहाँ भाई, मस्त एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। और ये भाई घर के लिए भाई गंगा जल भर लिया मैंने ये गंगा जी से, ये देखो। अब भाई सीधे अब निकलते हैं यहाँ से घर भाई, बहुत गर्मी हो रही है भाई, भाई हालत डाउन हो गया भाई पूरा ही। ये देखो भाई अभी भी भीड़ एकदम से है ही भाई, इतनी भीड़ हो रही है ना। इतनी गर्मी में भाई कम नहीं हो रही पब्लिक और बढ़ी जा रही है भाई। मंदिर के गेट पे भाई फ़ोन सब जमा कर लिए वहाँ से भाई अंदर, मतलब वहीं पे फ़ोन आपका लेके जमा करवा ले रहे हैं, उसके अंदर एंट्री नहीं है फ़ोन की, मेन गेट पे ही फ़ोन आपका जमा कर लेंगे। मैं तो सोचा था भाई अंदर जाऊँगा मतलब अच्छे से क्लिप लूँगा, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। चलो नेक्स्ट टाइम फिर कभी देखेंगे भाई, कसम से बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मेरा चेहरा ही देख के समझ सकते हो कैसी हालत हो रखी है मेरी।
चलो फटाफट से इस ब्लॉग को करते हैं सीधा एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपकी ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना और बेल आइकन दबा के जरूर बताना आपकी ब्लॉग कैसा लगा भाई। हालत